नमस्कार, आज हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के एक हत्याकांड की, जिसके बाद करीब करीब पूरा भारत दहला हुआ है और इस सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए, कैसे इन्हें बंद किया जाए। इसके साथ ही कई ऐसे पक्ष निकल कर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं होती। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले दिल्ली के इस हत्याकांड की। इस हत्याकांड से जो हुआ यानी लव जिहाद, उससे बचने के या उसे थोड़ा कम करने के, रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, हम लोग उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारी बातों से पहले हम लोग एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जिसे आम तौर पर सिर्फ बुरा बताने की जल्दबाजी की जाती है। उस व्यवस्था में कुछ अच्छाइयां भी थी, लेकिन इन अच्छाइयों पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके प्रोज और कॉन्स दोनों ना हो। मतलब अच्छी बातें भी कुछ होंगी, बुरी बातें भी कुछ होंगी। बुरी बातों पर हमेशा चर्चा होती है, लेकिन अच्छाई क्या थी, फ़ायदा क्या था, क्यों ये व्यवस्था इतने समय से चलती रही या चलती रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं भारत में कास्ट सिस्टम कहे जाने वाली चीज़ को, यानी कि वर्ण व्यवस्था को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लव जिहाद से क्या संबंध है। इससे पहले कि हम लोग अपनी बातों पर चलें, आइए हम लोग सबसे पहले जॉली एलएलबी नाम की एक प्रसिद्ध सी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं। एडिटर साहब, आपके पास वीडियो है भाई, कीजिए कुछ प्रबंध कीजिए, देखिए। तो साहब, तो आप निरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, वो भी जनेऊधारी। तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेम कृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? चार। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद? वेतरयानी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तेश्वरी। चरण? वाम। विश्वा? या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? विश्वा नहीं पता, नहीं पता विश्वा नहीं पता। तो साहब, आपने देखा कि कैसे सिर्फ कास्ट यानी जाति का जो विश्लेषण होता है, उससे करने भर से हमारा जो नायक है वो इस बात में सफल हो जाता है कि भेष बदले हुए किसी आदमी की सच्चाई सामने आ जाती है। तो अगर आपने इस व्यवस्था को अच्छी तरह सिखाया होता, बताया होता, सीधे सीधे पल्ला झाड़ के ये नहीं कहा होता, नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है जी, नहीं नहीं ये तो बड़ा गंदा है जी, हमारे विदेशी आका कह गए हैं बहुत खराब था, इसीलिए हम तो इसे खराब ही बताएंगे जी, तो भाई साहब, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, आपने बताया होता कि इस व्यवस्था में क्या है क्या नहीं है, अच्छा और बुरा बच्चे को खुद डिसाइड करने दिया होता, अगली पीढ़ियों को खुद डिसाइड करने दिया होता, तो सिर्फ जाति व्यवस्था की जानकारी सही पहचान किसी की उजागर कर देती। अभी अभी जिस केस में हम लोगों ने देखा कि हाथ पे कलाव बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तो इतने भर से कोई किसी को धोखा दे ले, सिर्फ हुलिया बदल लेने से किसी को कोई धोखा दे ले, ये मुमकिन नहीं होता। अगर इस व्यवस्था के बारे में विस्तार से आपने बताया होता और थोड़ी सी पूछताछ लोगों ने की होती, तो जानकारी थोड़ी सी लेते ही अंदाज़ा हो जाता कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये अपना नाम अब्दुल के बजाय अजय बता रहा है, लेकिन असल में अब्दुल है, थोड़ी सी बचने की संभावना बढ़ जाती। आपने ऐसा किया नहीं तो नतीजा जो हुआ,
वो बार बार झेलना पड़ता है, कभी श्रद्धा मर्डर केस में झेलना पड़ता है, कभी किसी और मर्डर केस में झेलना पड़ता है, कभी सूट केस में पैक होकर लड़कियां आती हैं, कभी फ्रिज में उनके टुकड़े पाए जाते हैं। तो ये घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते कि सच्चाई जो है वो नहीं है जो सामने दिख रही है। अगर आपने बताया होता, जैसा कि फिल्म का अगर आपने जो हिस्सा अभी देखा उसमें अक्षय कुमार भी यही करते हैं, जाति वर्ण वगैरह सारा कुछ पूछने के बाद जब पूरा विस्तार वो जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक धर्म का वो पूछ लेते हैं, और उस पूछताछ में जब स्पष्ट हो जाता है कि ये अब्दुल है जो किसी और का भेष बनाए हुए है, तो वो कहते हैं कि ये सारी जांच मेडिकल जांच के जरिए भी हो सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से कबूलवाना चाहता था। तो वैसी ही बात यहाँ पे भी होती, मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी खतना चेक नहीं करना पड़ता, जैसा कि बांग्लादेश पे हमले के वक्त आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी जब पाकिस्तानी जब बांग्लादेश पे कब्जा जमाए हुए थे, उस वक्त जब वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने दिया जा रहा था, भागने दिया जा रहा था, तो उस वक्त वो यही तरीका इस्तेमाल करते थे इसी तरीके से जांच के कि वो मुसलमान है या हिंदू, वो बाहर जाने दिया करते थे। तो आसान वाला तरीका जो दूसरा वाला होता है वो इस्तेमाल होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी तो है नहीं, लेकिन सिर्फ जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपने दे दी होती तो ये हो सकता था। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे अगर नारीवादी आज की तारीख में कहें कि भाई बारात में लड़कियों को नहीं ले जाया जाता, स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और आप थोड़ा सा पीछे जा कर के देखें कि असली कारण क्या था। तो पुराने ज़माने में बारात एक गांव से दूसरे गांव जाती थी और फिर वहां से दुल्हन के साथ जब वापस आती थी तो दुल्हन के पास काफ़ी जेवर होते थे, काफ़ी सारा अपना सामान होता था, बाराती जो इतने दूर की यात्रा पर निकले हैं उनके पास भी काफ़ी माल मता होता था, काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी उन्हें मिले हुए होते थे, शादी से लौट रहे हैं तो काफ़ी गिफ्ट वो ले करके जा भी रहे होते थे। तो ऐसे में बारात को लूट लेना बड़ा ही सरल होता था डाकुओं के लिए, और इससे बचने के लिए या ऐसे में महिलाएं साथ में ना हों, बच्चे साथ में ना हों, इसीलिए महिलाओं और बच्चों को बारातों में ले जाना अवॉइड किया जाता था। बाद में आज की तारीख में नारीवादी आपको कहेंगे कि नहीं नहीं लड़कियों को नहीं ले जाते, बड़ा नाइंसाफ़ी करते हैं, ये तो बिल्कुल मर्दवादी सोच है, बड़ी घटिया सोच है। भाई असली कारण क्या था, क्यों ये परंपरा शुरू हुई, उसके बारे में भी एक बार बात कर लीजिए, लेकिन उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। ये फिर से वैसा ही है जैसा कि आप स्त्रियों को कहते हैं कि उन्हें तो मंगलसूत्र पहनना पड़ता है, इससे पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, मैरिड हैं या नहीं हैं, पुरुषों पे ऐसी कोई निशानी नहीं देनी पड़ती। तो भैया पुरुषों पे भी ऐसी निशानी होती थी, इस निशानी को कहते थे जनेऊ। जनेऊ में 3 धागे हैं या 5 धागे हैं, इससे तय हो जाता था कि व्यक्ति अविवाहित है या विवाहित। मगर फिर जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ धूर्त नेता आए और इन धूर्त नेताओं ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया आप जनेऊ तोड़ के फेंक दीजिए। जनेऊ आपने तोड़ के फेंक दिया तो आज आप बता ही नहीं सकते कि भाई जनेऊ है नहीं तो 3 धागा है या 5 धागा है वो दिखेगा नहीं। तो महिलाएं कोई भी तथाकथित नारीवादिनी, मतलब मेरा मतलब है फेमिनाजी जो होती हैं, ऐसी कोई फेमिनाजी आकर के अगर कहे कि लड़कियों को तो मंगलसूत्र पहनना पड़ता है शादी के बाद, पुरुषों को कुछ नहीं पहनना पड़ता, तो भाई पुरुषों को भी पहनना पड़ता था, लेकिन उसे आपके ही नेताओं ने, सो कॉल्ड लिबरल्स ने, तथाकथित प्रगतिशीलों ने तोड़वा दिया, और तोड़ देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि दोषी भी आप ही हो, मर्दवादी भी आप ही हो। तो मर्दों पर जो निशानी होती थी वो उन्होंने हटा दी इस तरह से, और नतीजा आप देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मामला होता है बिल्कुल वैसे ही कास्ट सिस्टम पर भी मामला लागू होता है। अगर इतनी बुरी व्यवस्था होती तो इतने साल तक चल नहीं रही होती, खत्म हो गई होती। तो इस कास्ट सिस्टम के, इस जाति की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, उस वर्ण व्यवस्था के फायदे थे, पहचान जो होती है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आजकल जुमला सुनाई देता है, इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की जो राजनीति जिसके ऊपर चलती है, उस पहचान को स्थापित करने का एक तरीका होता था ये कास्ट, ये जाति, ये वर्ण, और उसे आपने खत्म कर दिया या खत्म करने की कोशिश की, बुरा बताया, खत्म तो खैर वो होने वाले है नहीं, क्योंकि कहावत सी चलती है जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं।
अदालतें भी ऐसा ही मानती हैं। कोर्ट के कई फैसलों में अदालतें ऐसा कह चुकी हैं कि धर्म परिवर्तन से पहले आप जिस जाति में थे वापस आएंगे तो फिर से आप उसी जाति में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरी जाति में पहुंच जाएंगे। ये अदालतों का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर सवाल मत कीजिएगा प्लीज़। तो खैर, अब ये जब व्यवस्था हम लोग देख चुके तो अब हम लोग चलते हैं आगे और ये सोचते हैं कि इस तरह के मामले हो तो रहे हैं समाज में, और एक बड़ा वर्ग है जो आपको ये समझाने पर तुला हुआ है, बिल्कुल अड़ा हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जो है ना सारा कुछ ये वहम फैलाया जा रहा है एक पक्ष के लोगों के द्वारा, ये कुछ लोगों को बदनाम करने की साजिश है। सच्चाई आप जानते हैं कि ऐसी साजिश वाजिश कुछ नहीं है, ये सचमुच हो रहा है। तो भाई अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो बचा कैसे जाए, इससे पहले हम लोगों को इसके कारणों को समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। तो होने के कारणों में से एक कारण तो होता है प्यूबर्टी, सबसे पहला कारण। तो जो चार कारण हम लोग बात करने वाले हैं, जिन चार कारणों में से, उनमें से सबसे पहले प्यूबर्टी, यानी एक उम्र के आने पर, किशोरावस्था के आने पर जो शारीरिक बदलाव होते हैं उनकी बात करते हैं। बाकी तीन कारण भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, जो बदलाव होते हैं, इसकी वजह से सबसे पहला तो हो जाता है कि स्वभाव जो होता है वो विद्रोही सा हो जाता है। जिस चीज़ के लिए मना किया गया है वो जरूर करना होता है। तो अगर आपने सिर्फ मना करके रखा है, सिर्फ ये कह रखा है आग को मत छुओ, तो वो विद्रोही स्वभाव जो है वो अपने आप ही कहेगा कि नहीं चलो अब तो आग को छू के देखेंगे। तो इसलिए आपको ये साथ साथ बताना पड़ेगा कि आग को क्यों मत छुओ, क्यों नहीं छूना है। ये इस बारे में जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक नतीजे कोई खास अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। नतीजा वही ढाक के तीन पात रहेगा और इस किस्म की घटनाएं होती रहेंगी। प्यूबर्टी में, इस एज में, किशोरावस्था में सिर्फ विद्रोही स्वभाव नहीं होता, एक स्वभाव जिज्ञासा का भी होता है। बचपन जो होता है वो पूरी तरह छूटता नहीं है इस उम्र में, और बच्चे जैसा कि आप जानते हैं हर चीज़ में क्यों, कब, कैसे, कहाँ पूछते रहते हैं, सवाल उनके पास कई होते हैं, वैसे ही ये जिज्ञासा का भाव जो होता है ये पूरी तरह से किशोरावस्था में गया हुआ नहीं होता। तो ये जो जिज्ञासा होती है, इस जिज्ञासा की वजह से भी चलो इस चीज़ के लिए मना किया गया था तो करके देखते हैं सचमुच ऐसा था क्या। अगर वो कह रहे हैं कि खराब था या बुरा था तो सचमुच ऐसा ही था। तो ये जिज्ञासा जो होती है ये भी एक कारण हो सकती है। तो लगातार अगर आप नज़र नहीं रख रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ क्वालिटी टाइम देंगे जी, तो भाई क्वालिटी टाइम देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्वांटिटी टाइम भी देना होता है। क्या होता है कि उसे अपनी बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों की बहुत सारी बातें होती हैं किशोरावस्था में जो उन्हें किसी को बतानी होती, तो जो भी भावनात्मक रूप से थोड़ा जुड़ाव दिखाता है उनकी बातें सुनता है। ठीक से सुनिएगा इस शब्द को, सुनता है, सुनना है, तुरंत उस पर अपना जजमेंट नहीं देते रहना है, कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठे सुन लेना है कि वो कह क्या रहा है। अगर आपको उसकी बातें समझनी है तो आपको पहले उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। सुनेंगे नहीं, पहले ही बोल बोल करके बताते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे, तो वो कहीं और अपनी समस्याएं बताने या अपनी बातें करने पहुंच जाएगा और फिर समस्या होगी। अब यही हमें ले आता है दूसरी बात पर, दूसरी बात यानी कि पैरेंटल कंट्रोल, या फिर इसे पैरेंटल कनेक्शन कह लीजिए। परिवार के साथ अपने जो घर के अभिभावक होते हैं उनके साथ संबंध। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपके पास एक जॉइंट फैमिली होती थी, पिताजी से आप बात नहीं कर रहे हैं तो चाचा जी से बात कर रहे हैं, माँ से बात नहीं कर रहे हैं तो चाची से बात कर रहे हैं, दादी से बात कर रहे हैं, किसी भाभी से बात कर रहे हैं। तो किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ आपकी बातचीत होती रहती थी और आपके संबंध बने रहते थे। अब आपके पास एक जॉइंट फैमिली के बदले एक न्यूक्लियर फैमिली है, परिवार में दो ही लोग हैं, दोनों लोग नौकरी पेशा हैं और उनके पास इतना समय ही नहीं है, कथित रूप से इतना समय ही नहीं है। होता क्या है कि घर आकर के जिस वक्त आप मोबाइल में लगे हुए होते हैं उस समय अगर आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ दें तो आपके पास इतना समय होता है, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। टीवी थोड़ी देर के लिए बंद रखें तो आप पाएंगे कि आपके पास काफ़ी सारा समय होता है, तो उससे आपको ये समय मिल जाएगा। तो
तो ये जो क्वालिटी टाइम होता है इसके बदले क्वांटिटी टाइम जो होता है वो कहाँ पर है, कहाँ छुपा हुआ है, कौन उसे खा गया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो बिंज वॉचिंग का शौक लोगों को होता है आजकल, एक ही बार में पूरा पूरा टीवी सीरीज देख डालेंगे, एक ही बार में पूरा पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक कोई सीरियल 8 के 8 एपिसोड एक ही बार में लगातार देख डालेंगे एक दिन में, ये जो आप कर रहे होते हैं इसके बदले यही आधा घंटा या एक घंटा अगर आप अपने बच्चों के साथ खर्च करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ खर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास समय अपने आप ही है। दूसरा जो इससे फायदा होता है वो ये है कि बच्चे देख कर सीखते हैं, आपकी नकल करके सीखते हैं। आप पाएंगे कि बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आप देखेंगे कि मम्मी लिपस्टिक लगाती थी, इसीलिए मम्मी जैसे ही कहीं इधर उधर हुई उसने पूरा लिपस्टिक अपने चेहरे पर लगा के बर्बाद कर डाला। कहाँ से सीखा उसने? आपने बताया था या सिखाया था क्या? नहीं, उसने आपको देखा था ऐसा करते हुए, इसलिए उसने कॉपी कर लिया। ऐसे ही सेलफोन में होता है, जब आप शिकायत करते हैं कि बच्चा तो हमेशा सेलफोन में लगा रहता है, सेलफोन ना दो तो सिर फोड़ने पर तुल जाता है, रोने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है, तो भाई घर आते ही आप क्या करते हैं? सारा खाली समय अगर वो आपको मोबाइल पर खेलता हुआ देखता है या मोबाइल पर वीडियो देखता हुआ देखता है, वीडियो नहीं तो चलिए सोशल मीडिया स्कैन करता हुआ आपको देखता है, तो वो बच्चा भी सोचता है कि सारा खाली टाइम इसी तरह खर्च किया जाना चाहिए। अगर आप सेलफोन किनारे रख के थोड़ी देर किताबें पकड़ के बैठ जाए तो बच्चा आपको देखकर आपकी नकल करता हुआ अपने आप किताबें पढ़ना सीख जाएगा। ये टाइम अगर आपके पास खाली हो, थोड़ी देर तक आपने मोबाइल किनारे रख दिया, पूरा कंसंट्रेशन आपका बच्चे पर था, तो बच्चा इस पर रिएक्ट भी करता है और उसका नतीजा ये होगा कि बच्चे से आपकी बातचीत होने लगेगी, थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल, थोड़ा सा पेरेंटल कनेक्शन जो होता है वो बन पाएगा और थोड़ी सुविधा होगी आपको अपनी बात समझाने में। अब इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात आ जाती है। इससे जुड़ी हुई तीसरी बात क्या है कि भाई जो OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे थे, थोड़े ही दिन में बच्चा भी उसे देखने लगेगा। आप लगातार नियंत्रण नहीं कर सकते, कितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप डाल लें, कितनी भी आप नज़र रखें, तो भी इंटरनेट पर कब बच्चे क्या देख रहे हैं इसका कोई पता नहीं होता। अब इसका पता अगर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो आज नहीं तो कल अपहरण जैसे सीरियल देखेगा, वो आज नहीं तो कल घाउल जैसी सीरीज देख लेगा, आज नहीं तो कल वो ऐसी फिल्में, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज देख चुका होगा जो सेक्स और रोमांस और हिंसा से भरे हुए होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि 20 साल पहले तुम्हें पता था कि हेरोइन, कोकीन, स्मैक वगैरह क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि भैया नाम तो पता था लेकिन इसे लेते कैसे हैं ये नहीं पता था। आज के अगर आप OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ देखें तो ब्लेड से कैसे उसे पतली पतली पत्तियों में काटा जाता है, छांटा जाता है, कैसे उसे सूंघ कर लिया जाता है, कैसे उसे इंजेक्शन के साथ लिया जाता है, ये सब कुछ बच्चे जानते हैं, उन्होंने देख रखा होता है। तो अगर उनका एक्सपेरिमेंट करने का मन हुआ, जो कि किशोरावस्था में, जो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था प्यूबर्टी, उस एज में अगर अपनी जिज्ञासा की वजह से उन्होंने देखने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, तो कई किस्म के नशे ऐसे होते हैं जो 3 ही बार में बच्चों को उसकी आदत डाल देंगे, लत लग जाएगी और उसके बाद उससे कौन सा अपराध करवाया जा सकता है, कौन सा अनैतिक काम करवाया जा सकता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पंजाब जैसी जगहों पर आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि कई ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो कि विभत्स हैं। उतने कम उम्र के बच्चों को सॉल्यूशन लेकर रुमाल से सूंघते हुए देखना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले वाले जो 2 स्टेप बताए हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, मतलब प्यूबर्टी में जो चेंजेस होंगे उनको याद नहीं रखा, फिर पेरेंटल कंट्रोल और पेरेंटल कनेक्शन जो था उसे याद नहीं रखा, और अंत में तीसरा वाला यानी मीडिया से जो प्रभाव पड़ना था बच्चों पर वो पड़ गया। मीडिया से एक और प्रभाव भी पड़ सकता है, मीडिया आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि सब अच्छा है जी, सब चंगा सी, सच्चाई ऐसी है तो नहीं। तो जैसे आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि अनजान लोगों से चॉकलेट मत लो, क्यों चॉकलेट नहीं लेनी भाई अनजान लोगों से? क्योंकि अनजान लोगों का आपका भला करने का इरादा नहीं होता, चॉकलेट देने का उसका कोई इरादा नहीं होता, उसे चॉकलेट खर्च करने का कोई शौक नहीं है, वो असल में किडनैपर था जो बच्चे को किडनैप करना चाहता था,
इसलिए वो मुफ्त का चॉकलेट दे रहा था, और आपने जब एक बार बच्चे को बता दिया कि असल में ये आपको किडनैप करना चाहता है, इसीलिए आपके सामने भला बन के दिखा रहा है, तो फिर वो ध्यान रखेगा। बिल्कुल वही मामला यहाँ पर भी होता है। अगर आप बता के रखेंगे कि आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाने वाला परिवार के सदस्य, जिन लोगों के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं जैसे ही आपने कहा कि मम्मी तो हर चीज़ के लिए मना करती रहती है, पापा तो हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, तो कोई दूसरा भी कहना शुरू करता है 30 साल 32 साल का किसी 15 साल की बच्ची को कि हाँ हाँ मेरे माँ बाप भी मना करते थे, तो इमीडिएटली उसे एक जुड़ाव लगता है, एक कनेक्शन लगता है, जबकि आपको पता है कि सच्चाई ऐसी है नहीं। असल में ये जो दूसरा व्यक्ति 30 साल 32 साल का कर रहा था, इसे एग्जैक्टली ग्रूमिंग कहते हैं। तो वो आपके बच्चे को बहलाने की, बहकाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ जब आप पहले से बता के रखेंगे, यानी पहला और दूसरा स्टेप पूरा करके रखेंगे, तो तीसरा स्टेप यानी मीडिया का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम पड़ेगा, थोड़ा निगेट हो सकेगा। 100% रुक जाएगा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा असर पड़ेगा ही। लगातार आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसका बिल्कुल असर न हो आपके दिमाग पर, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हुई। पहली प्यूबर्टी की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंड चीज़ पैरेंटल कंट्रोल और पैरेंटल कनेक्शन, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़ इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मीडिया के प्रभाव को आपको देखना पड़ेगा। और अब चलते हैं चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ है सीधे सीधे ग्रूमर्स। अब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, तब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया भर में ग्रूमिंग के गैंग्स होते हैं और इनका निशाना बच्चे ही होते हैं। ये बच्चों का ही यौन शोषण कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे ग्रूमिंग गैंग्स एक ही समुदाय विशेष के लोगों के थे, और इनका निशाना दूसरे समुदाय थे किसी भी क्षेत्र में, ये आपको पता है, ये आप देख चुके हैं। ब्रिटेन में कोई RSS, कोई बजरंग दल नहीं बैठा होता। जो वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में अगर वहाँ बताया जा रहा है, और वही चीज़ भारत में भी होती हुई दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो ये उतना झूठ नहीं है जितना आप कहने की कोशिश करते हैं। और ये बात सबको पता है, आपको स्वयं भी, अगर आप कितने अपने आप को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश करते हैं तो भी मन के कहीं किसी अंदर के कोने में कहीं ना कहीं आपको खुद भी सच्चाई पता है। आप जानते हैं कि इन ग्रूमर्स से आपको अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। ये ग्रूमर्स कौन सी हरकतें करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से याद दिला दें। जैसे ही बच्चा कहेगा कि मम्मी हर चीज़ के लिए मना कर रही होती है, ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, इसके लिए मना करती है, उसके लिए टोकती है, पापा पढ़ाई करने कहते हैं, मुझे उतना नहीं पढ़ना, वगैरह वगैरह, जो भी बच्चे की जो भी शिकायतें होंगी, उन शिकायतों को ग्रूमर्स बड़े आराम से सुन रहे होंगे, पूरे पेशेंस के साथ सुन रहे होंगे, फटाक से पलटकर आपकी तरह जवाब नहीं देना चाहेंगे या बच्चे की बात काटना नहीं चाहेंगे। थोड़े समय में बच्चे को जब भरोसा होने लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी बातें सुनता है, तो उससे दोस्ती भी हो जाएगी। अपने प्रति सहानुभूति रखने के वाले को या अपने प्रति सहानुभूति रखने वाली को, यहाँ वाली का हमेशा याद रखिएगा, जाकिर नाइक जिस एक लड़की का धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं, हाल में ही आपने वीडियोस में देखा होगा कि उसके बगल में एक लड़की खड़ी होती है, ऐसा ही आपको द केरल स्टोरी फिल्म में दिख जाएगा। ग्रूमर्स सिर्फ पुरुष होते हैं ऐसा नहीं है, किसी न किसी लड़की की कारस्तानी होती है, वो उसे भड़का रही होती है, उकसा रही होती है, उसके साथ सहानुभूति दिखाकर उसे बता रही होती है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे पक्ष में हूँ, और तुम्हारे घर परिवार के लोग, तुम्हारे जो दोस्त यार हैं, वो लोग जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो गलत है, जैसा तुम सोचती हो वही सही है। तो इस तरह से जो ग्रूमिंग होती है, इन सब से आपको अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। ग्रूमर्स से आपको ही सावधानी से निपटना पड़ेगा। अब चलते हैं कड़वी बात पर। कड़वी बात से पहले एक बार दोहरा लें, पहली बात प्यूबर्टी, सेकंड पैरेंटल कंट्रोल और पैरेंटल कनेक्शन, तीसरी बात इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया,
चौथी चीज ग्रूमर्स। इन चारों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब आते हैं कड़वी बात पर। इन चारों चीजों का आपने अगर ध्यान नहीं रखा और कोई 30-32 साल का, या 30-32 साल नहीं चलिए 20 साल 25 साल का भी आपके नाबालिग बच्चों को बहका कर ले जाता है, नाबालिग बच्चियों को बहका कर ले जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% गलती किसी बाहर वाले किसी ठग की ही थी। कहीं ना कहीं इसमें गलती माँ बाप की भी है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है, और इस सच्चाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा कि गलती माँ बाप की भी थी। तो ये गलती आप कर बैठे, इसके बाद आप किसी और के पास मदद मांगने जाएं, उससे बेहतर है कि आप पहले से ही इस चीज को सुधारना शुरू करें, पहले से ही इस चीज पर कंट्रोल रखना या नियंत्रण रखना शुरू करें। आप पाएंगे कि एक जो समुदाय विशेष होता है उसके घर में कोई ना कोई मौलाना, कोई ना कोई मौलवी आते हैं जो बेसिक उनके मजहब की जानकारी उन्हें देते हैं। आपको इसका उल्टा करना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपको ही अपने अंग विशेष को, जो कुर्सी से आपने चिपका रखा है एसी कमरे में बैठकर, उस कुर्सी से आपको अपने अंग विशेष को हिलाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में ढूंढिए, किसी पंडित को, किसी शास्त्री, किसी आचार्य को जो संस्कृत वगैरह की थोड़ी जानकारी रखते हो, और उन्हें अपने घर बुलाना लाना शुरू कीजिए, ट्यूशन उनसे करवाना शुरू कीजिए, या जैसे भी हो पाए वैसे करवाना शुरू कीजिए, और थोड़ी बहुत धर्म की जानकारी बच्चों को हो पाए ये इंश्योर कीजिए। अगर ये जानकारी आपने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दी है तो थोड़ी सी गलती तो आपकी भी है। तो इस गलती को आपको पहले बंद करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी है। 100% गलती चोर की नहीं है। आपने दरवाजा खुला छोड़ा था इसलिए दरवाजे को बंद करना है, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चोर को जब हमारा कानून सजा दे पाएगा तब दे पाएगा, और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है ये आपको पता नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो भारतीय कानून है वो कहता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो यानी इसका मतलब साफ होता है कि एक गुनहगार जो होता है जिसे सजा मिली है, उस एक गुनहगार को सजा दिलाने में 100 नहीं तो चलिए कम से कम 50 गुनहगार तो जरूर ऐसे होते हैं जो कि छूट गए होते हैं, और वो समाज में ही हैं, और वो कोई ना कोई अपराध फिर से नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपने आप में सुधार लाना चाहिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, या फिर गांधी जी जो कहा करते हैं बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड, उसे लागू कर लीजिए। जैसे समझना हो इसे वैसे समझिए, थोड़ा सा बदलाव आपको अपने अंदर भी लाना पड़ेगा। आखिरी चीज, जब ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद आप किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी बजरंग दल वाले को घर में बुलाते हैं, किसी VHP वालों को घर में बुलाना शुरू करते हैं, तो भाई ऐसा है कि पूरी जिंदगी, पूरे पिछले 10-15 साल आप जिन्हें हंगामा करने वाला कहते रहे, आप कहते रहे कि भैया ये तो सड़क पर DJ बजा करके हंगामा मचाते हैं और इससे मोहल्ले को बड़ी परेशानी होती है, ये तो भाई विसर्जन में दारू वारू पीते हैं, सब कुछ गलत ही करते हैं, तो उस आदमी को, उस संगठन के लोगों को अगर आप अपने घर में बुला करके किसी मुश्किल वक्त में आए भी हैं, लेकर आए भी हैं किसी कठिनाई के वक्त, किसी ऐसी परेशानी को सुलझाने के लिए, तो जिसके बारे में आप ही बुरा भला कहते रहे हैं पूरे समय, उसके बारे में आपके बच्चे उसकी बातें क्यों सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे क्या? पहली बार मिले हैं उससे ज़िंदगी में, इतने दिन से उसके बारे में जो भी बातें सुन रहे थे वो सारी की सारी बुरी बातें ही थी, और आज उसकी बात मानकर ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ा हुआ कोई बच्चा अपनी हरकतें बदल लेगा? ऐसा होता है क्या, या ऐसा हो सकता है? तो किसे बुरा बोलना है और किसे नहीं बोलना, अपना मुंह थोड़ा सा बंद करना भी सीखिए। उम्मीद है ये सलाह जो है वो थोड़ा सा कान के अंदर तक तो जाएगी, कितने लोग इसे मानेंगे, कितने लोगों को ये सुनने में अच्छा लगा होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जानकारी के नाम पर इतना ही है। धन्यवाद।